फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के लोकप्रिय अस्पताल से रेफर किए गए 6 लोगों की मौत का मामला गर्मा गया है। अस्पताल प्रबंधन का साफ साफ कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की है कार्रवाई एक तरफा है, बिना किसी जांच पड़ताल अथवा पक्ष सुने एक तरफा रिपोर्ट दर्ज तब करा दी गई जबकि CMO को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। जिस अधिसूचना व अधिनियम का हवाला देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उनमें CMO को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है जिसके तहत वह अस्पताल प्रबंधक व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दे सके। लोकप्रिय अस्पताल ने मुख्यमंत्री को इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए नर्सिंग होम एसोसिएशन व IMA का दरवाजा भी खटखटा दिया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में एकाएक ही तेजी आ गई है। टेस्टिंग जितनी तेजी से हो रही है मरीजों की संख्या में भी उतना ही इजाफा हो रहा है। UP के महत्वपूर्ण व घनी आबादी वाले शहरों में शुमार मेरठ में एक दिन में करीब 450 मरीज तक भी सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यह भी पाया गया है कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के कुछ समय बाद ही मरीज की मृत्यु हो गई है, जो इस बात का संकेत है कि जिस वक्त तक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तब तक पानी सर के ऊपर से निकल जा रहा है। कई मरीज ऐसे भी रहे हैं जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के कुछ घंटे बाद ही मौत के मुँह में समा गए। जाहिर है ऐसा होना मौजूदा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। कोरोना रोकथाम के प्रति बेहद गंभीर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाने को बेहद गंभीरता से लिया गया। इसका नतीजा लोकप्रिय अस्पताल के प्रबंधक व अन्य के खिलाफ बिना किसी सुनवाई के रिपोर्ट दर्ज कराने के रूप में सामने आया है। ये देखते हैं क्या बता रहे हैं CMO डॉक्टर राजकुमार। नहीं, अभी पिछले 10 दिन का डाटा निकाला गया था तो उसमें 6 पेशेंट एक ही हॉस्पिटल से थोड़ा ऐसी टाइम पे लाए गए थे जो जल्दी यहाँ पे आके डेथ हो गई थी मेडिकल कॉलेज में, तो फिर इस पर रिव्यू लिया गया। शासन के संज्ञान में एक बात आ गई थी तो इसलिए उन पर FIR के आदेश हुए हैं, जिससे कि और भी नर्सिंग होम इस तरह का ना करें। जो पेशेंट सीरियस होता है उसको जल्दी L3 पेशेंट में L3 हमारी फैसिलिटी पे रेफ़र कर दिया गया। चुनिंदा हॉस्पिटल कौन कौन सा है? एक ही हॉस्पिटल पर अभी हुआ है और बाकी हॉस्पिटल्स को निगाह पे है। कितने हॉस्पिटल हैं जिन पे आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है कंटिन्यू? कंटिन्यू तो सभी हॉस्पिटल पे की जा रही है, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारा इन पे अभी ध्यान है। अभी कल लोकप्रिय हॉस्पिटल का हुआ है और जो बाकी हॉस्पिटल भी इस तरह का अगर देर तक पेशेंट को रखेंगे मसारी के पेशेंट को तो उन पे भी कार्रवाई के लिए आदेश हुआ है। उधर लोकप्रिय अस्पताल में सुभारती मेडिकल कॉलेज के स्वामी और प्रबंधक अतुल कृष्ण बौद्ध ने CMO को लिखे पत्र में सीधे उनके अधिकारों को चुनौती दे दी है। डॉक्टर अतुल ने कहा है कि रिपोर्ट दर्ज होने के कारण लोकप्रिय अस्पताल वे उनकी जो व्यक्तिगत मानहानि हुई है उसके लिए CMO जिम्मेदार हैं और उन्हें अब यह अधिकार है कि वह CMO व उनके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर हर्जाना मांगे। डॉक्टर अतुल का यह भी कहना है कि CMO के इस कृत्य से यदि कोविड रोगियों के उपचार में कोई व्यवधान होता है इसके लिए सीधे सीधे CMO जिम्मेदार होंगे। सुभारती कोविड सेंटर में रोगियों का जो इलाज किया जा रहा है वह बेहद सराहनीय व अनुकरणीय है। यहाँ का स्टाफ पूरी तन्मयता से रोगियों की सेवा में लगा है, फिर भी विभाग ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेकहीन हरकत की है। विभाग की इस हरकत पर सुभारती को प्रतिक्रिया स्वरूप सभी काम रोक देना चाहिए था, ऐसा डॉक्टर अतुल का कहना है। इस बारे में लोकप्रिय अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रोहित रविंद्र से भी फर्स्ट बाइट ने बात की, आइए देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रोहित रविंद्र है, मैं लोकप्रिय हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। अभी परसों ये देखा गया कि लोकप्रिय हॉस्पिटल के नाम पर, प्रबंधक के नाम पर, मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पर, मालिक के नाम पर एक FIR लॉन्च करी गई। इसमें मेरा कहना ये है कि बिना किसी जांच करे, बिना किसी इंक्वायरी करे, बिना हमसे कोई भी पेपर मांगे, बिना कोई शो कोर्ट नोटिस दिए हम पे FIR कर दी गई। इस FIR एक तरफी FIR और एक तरफी जांच करी गई। इस मुद्दे पे हमसे कोई पेपर नहीं मांगा गया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कुछ बताया नहीं गया, जबकि जो भी मरीज़ हमारे यहाँ पे आए थे वो काफ़ी गंभीर हालत में थे।
लाइफ सेविंग उनको सपोर्ट दिया गया। पेशेंट को यहाँ पे कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यहाँ से रेफ़र कर दिया गया और टाइमली रेफ़र कर दिया गया। देखिए ऐसा होता है कि जब भी पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मरीज़ के परिजन थोड़े से परेशान हो जाते हैं, उनको थोड़ा समय लगता है ये निर्णय लेने में कि मरीज़ को कहाँ लेके जाया जाए। जैसे ही वो निर्णय ले लेते हैं, हमें कंसेंट दे देते हैं, उसके उपरांत हम मरीज़ को उस जो भी कोविड सेंटर है वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें अमूमन 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यही सभी मरीज़ों के साथ हुआ और होता आया है। सारे मरीज़ जितने भी मरीज़ थे पिछले 10 दिन के अंदर 31-32 मरीज़ हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 10 से 12 मरीज़ों को होम क्वारंटीन किया गया। 9-10 मरीज़ हमारे सुभारती में गए हैं, 10 के करीब मरीज़ LLRM में गए हैं, 1 मैक्स गया है पेशेंट, 2 यशोदा गए हैं पेशेंट। तो इसमें बताना ये है कि जो मरीज़ यहाँ से कहीं और जा रहे हैं उसकी जो लाइबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उस हॉस्पिटल की हो जाती है, उसका ये दायित्व हो जाता है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह का डिले नहीं किया गया और कोविड के दौरान भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेशेंट को सर्विस ना मिली हो। क्योंकि पेशेंट जब आता है, कई पेशेंट हमारे पास गैस्पिंग कंडीशन में आए, यानी कि जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हमारा पहला दायित्व ये होता है कि पेशेंट को सेटल किया जाए उसकी जाँच करने से पहले। पहले मरीज़ बचेगा तभी तो जांच होगी, उसके बाद उसे सेटल करने के बाद उसका उसकी जांच के कोरोना टेस्ट के लिए हम RT-PCR कराते हैं। RT-PCR की रिपोर्ट आने में लगभग 1 दिन का समय लगता है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, अगर नेगेटिव होता है तो हम उसे अपने पास रखते हैं, अगर पॉजिटिव होता है तो कोविड सेंटर में हम उसे शिफ्ट करा देते हैं, जो कि टाइमली शिफ्ट करा देते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि मरीज़ की गंभीर हालत होने पर उसको शिफ्ट कराया जाता है। गंभीर हालत होने पर तो मरीज़ को लिया जाता है, पहले उसको सेटल किया जाता है, उसके बाद उसको शिफ्ट कराया जाता है। कल मेरी CMO साहब से बात हुई, कल उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप एंटीजन किट हमसे ले लीजिए। तो आज हमारे हॉस्पिटल को एंटीजन किट मिली है कि अगर कोई सीरियस पेशेंट हमारे पास आ रहा है जिसका हमें तुरंत ऑपरेशन करना है या तुरंत इलाज करना है या उसे सेटल करना है, तो हम पहले उसका एंटीजन टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर उसका पॉजिटिव आता है तो उसे शिफ्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव आता है तो हम फिर उसके बाद उसका RT-PCR कराएंगे, जिसे आने में 1 दिन लगेगा। क्योंकि एंटीजन के जो रिजल्ट्स हैं अभी वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसमें मेरा स्टैंड यही है कि एक तरफा जो कार्रवाई लोकप्रिय हॉस्पिटल पे हुई है उसमें हमें देखना होगा कि बिना किसी जांच करे, बिना कोई इंक्वायरी करे, बिना किसी शोकेस नोटिस को दिए हुए और हम पे FIR कर दी गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब आप इस घटनाक्रम के बाद अब आपका क्या एक्शन होगा, अगर जैसे आपके खिलाफ अब FIR दर्ज हो चुकी है तो अब आप क्या करें? देखिए FIR के बाद नेचुरल से बात है पूरी डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिर जाता है। जो लोग पूरे तन मन धन से इस चीज़ में लगे हुए हैं, पूरी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कोविड पीरियड में, अपनी जान की परवाह करे बिना उनका मनोबल गिर जाता है। वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इस मरीज़ को लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो इसमें कहना यही है कि इसमें लॉस सोसाइटी का ही है। जो सीरियस मरीज़ आएगा उसकी जान बचाने के बजाय उसको रेफ़र कर दिया जाएगा तुरंत ही जैसे ही हॉस्पिटल में आएगा। डॉक्टर अपनी जान बचाने को सोचेगा कि भाई मेरे ऊपर तो FIR हो जाएगी, मैं क्यों इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करूं, इन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलूं। तो इसमें सभी पूरी डॉक्टर फेटर्निटी का मनोबल जो है, नर्सिंग होम्स का मनोबल जो है, वो गिर जाता है। तो ऐसे में इलाज करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है इस पीरियड में। हमें ये समझना होगा कोविड के चलते हुए जिन पेशेंट जो पेशेंट सीरियस हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लगभग उन पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है। जैसे हमारे पास एक CKD का पेशेंट आया जिसकी 15 साल से डायलिसिस चल रही है, 20 साल से डायलिसिस चल रही है, फिर एक पेशेंट CVA का आया। तो ये पेशेंट ऑलरेडी कई कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ आते हैं, काफ़ी सीरियस होकर आते हैं, क्योंकि अभी ये कोविड डिजीज़ ऐसा है जिसका पूरी तरह से पता नहीं चला है कि ये कैसा रिएक्शन करेगा, किस तरह से करेगा, अभी इस पर रिसर्च पेपर्स नहीं है। तो इसमें काफी कठिनाई होगी अगर इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेगा। इस खबर में आज इतना ही। घर पर रहें, सेफ रहें, कोरोना से खुद को बचा कर रखें। देखते रहिए First Bite.tv। नमस्कार।